हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। आपके सामने ये मेरा हाइबिस्कस का पौधा है। बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स अभी, और फ्लावरिंग बड्स भी अच्छे खासे निकल रहे हैं इसके ऊपर। हेल्दी ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट बार बार मुझे आती रहती है कि हमने ये प्लांट को प्रून किया, हमने अपने रोज़ को प्रून किया, हमने अपने हाइबिस्कस को प्रून किया। तो मैंने आगे भी मेरी अपनी वीडियोस में आपको बताया है फ्रेंड्स कि हमें अपने प्लांट को कौन से टाइम पे प्रून करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्पेशली मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ कि हमें कौन से टाइम पे हमारे प्लांट्स को प्रून करना है। क्योंकि हम कभी भी अपने प्लांट को प्रून कर देते हैं तो वो एक चीज़ गलत चीज़ है फ्रेंड्स। सॉफ्ट प्रूनिंग अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग अगर आप अपने प्लांट के ऊपर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप कौन से सीज़न में प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करते हो। प्रूनिंग एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो आपके प्लांट के ऊपर न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर अगर आपको न्यू ग्रोथ लानी है तो बाद में आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्लांट स्ट्रेस में हो, जब आपके प्लांट के ऊपर ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही कम हो, तब आप प्लांट के ऊपर कभी भी प्रूनिंग ना करें। ये एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में ले लें फ्रेंड्स। सीज़न के हिसाब से आप प्रूनिंग करिए, जैसे कि क्लाइमेट के हिसाब से आप प्रूनिंग करिए। जैसे कि अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी टेम्परेचर रात के टाइम 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ऐसे क्लाइमेट में फ्रेंड्स प्लांट हमारे स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम ओपन में हमने इसको रखा है, अगर आप ओपन में प्लांट को रखते हो और प्लांट के ऊपर ठंडी हवाएँ लगती रहती हैं, रात के टाइम 15 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, ओपन में प्लांट हमारा बेचारा रहता है, तो ऐसे ठंडियों को बर्दाश्त करते करते वो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है, थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप अपने प्लांट को प्रून करोगे तो बाद में आपका प्लांट ज़रूर मर जाएगा, वो आगे ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि प्लांट अपने आप को बचाने में लगा हुआ रहता है, वो न्यू ग्रोथ ऐसे टाइम पे वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, शायद फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे टाइम पे वो अपने लीव्स गिरा देगा, येलो लीव्स करके वो गिरा देगा। तो मुझे बहुत सारी कमेंट्स यही रिलेटेड आती है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए हमने अपने प्लांट को थोड़ा प्रून कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने प्लांट को प्रून कर देना चाहिए। आप पहले अपने अपने एरिया की, सिटी की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखिए। अगर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, जैसे कि अभी फुल ठंडी चल रही है, अभी का क्लाइमेट 15 डिग्री से नीचे है, तो ऐसे क्लाइमेट में अगर आप अपने प्लांट को प्रून करोगे तो बाद में आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और अल्टीमेटली मर जाएगा। तो ऐसे क्लाइमेट में नॉर्मली प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। जब बहुत ही वर्स्ट क्लाइमेट होता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ही तेज़ बारिश रहती है, तो ऐसे क्लाइमेट्स में फ्रेंड्स प्लांट कभी भी ग्रोथ नहीं करते। ऐसे क्लाइमेट में प्लांट अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, न्यू बड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, न्यू ब्रांचेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्लांट बस वही स्टेबल कंडीशन में रहता है, बस अपने आप को बचाता रहता है। वही आपको रखना है फ्रेंड्स, ऐसे ही प्लांट को आपको रखना है, तब आप प्लांट के अंदर बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें। जब क्लाइमेट अच्छा रहता है, प्लांट के फेवरेबल में क्लाइमेट रहता है, जैसे कि अभी अक्टूबर में जो क्लाइमेट था बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था, सनलाइट भी थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, तो ऐसा जो क्लाइमेट रहता है फ्रेंड्स, तब प्लांट के ऊपर न्यू ग्रोथ्स डेवलप होती है। आपने आपको ही आप अपने प्लांट के ऊपर आप देख ही लेंगे कि न्यू ब्रांचेस डेवलप हो रही है, न्यू लीव्स डेवलप हो रहे हैं, तब आपको लगेगा भी नहीं कि आप मेरे तब मैं अपने प्लांट को प्रून करूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा प्लांट तो अभी ग्रो हो रहा है तो प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स, तब हमें अपने प्लांट को प्रून करना चाहिए, तब अगर आपके प्लांट की हाइट बहुत ही ज़्यादा हो गई हो और आपको प्लांट की हाइट को छोटी करनी हो, तो ऐसा क्लाइमेट के अंदर आप अपने प्लांट को प्रून कर सकते हैं। तो ऐसे क्लाइमेट के अंदर आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेगा, न्यू ब्रांचेस डेवलप हो जाएगी और अच्छी खासी कंडीशन में आ जाएगा। तो तभी आपको अपने प्लांट को प्रून करना है। आपको प्लांट को प्रून तभी नहीं करना है जब वो अपनी ग्रोथ स्टॉप करके बैठा है। प्लांट ग्रोथ स्टॉप तभी करता है जब वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी वो प्लांट ग्रोथ नहीं करता। तो तभी आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग ना करें। अब प्रूनिंग ना करने की सीज़न मेरे हिसाब से फ्रेंड्स दिसंबर का जो महीना है, तब आप अपने प्लांट को प्रून बिल्कुल भी ना करें। खासकर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देता हूँ आप सभी को, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे ऊपर भी असर करती है। क्योंकि अभी जो ठंडियाँ गिर रही है, ऐसी ठंडियों में हमारी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, हमें भी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती होगी। तो ऐसे क्लाइमेट में हमें अपने प्लांट्स को प्रून नहीं करना है।
जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा सुधर जाए हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्लाइमेट अभी सुधर गया है, क्लाइमेट अच्छा है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, टेम्परेचर भी अभी थोड़ा 20 डिग्री के आसपास हो गया है, तब आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर सकते हैं। तब आप अपने प्लांट के ऊपर रिजल्ट आप अपने आप ही देख लेंगे कि आपके प्लांट के ऊपर से न्यू शूट्स निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा प्लांट अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और बहुत ही जब तेज़ गर्मियाँ रहती है, बहुत ही तेज़ गर्मी रहती है, यानी कि 40 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है, तभी आप अपने प्लांट को प्रून ना करें, क्योंकि ऐसे क्लाइमेट में भी प्लांट अपने आप को बचाता है, अपने आप को ग्रोथ स्टॉप करके बैठा हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो तब हमें प्लांट को प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब बहुत ही तेज़ बारिश होती है, बहुत ही तेज़ बारिश होने का मतलब ये है फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ हवाएँ चलती है, प्लांट की जो जड़ें होती है वो पूरी हिल जाती हैं तेज़ हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से, पेस्ट की वजह से, तब हमें प्लांट को ज़्यादा प्रून नहीं करना है, तब हमें प्लांट को ऐसे ही रहने देना है। अगर जब आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट ज़्यादा लगे हो तभी आपके प्लांट के ऊपर भी, तभी आपका प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो तभी भी आपको प्लांट को प्रून नहीं करना है। बस जितने भी डैमेज लीव्स वगैरह है वो आपको कट कर लेना है, प्लांट को थोड़ा साफ कर लेना है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर लेना है, जब न्यू शूट्स फिर से डेवलप आना स्टार्ट हो जाए तब आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग हमें जनरली बहुत ही ज़्यादा नहीं करनी है फ्रेंड्स, साल दो साल में एक बार आप अपने प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करिए, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। जितनी ज़्यादा अगर आप हार्ड प्रूनिंग प्लांट को करते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका प्लांट ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, उसके लीव्स कुछ डल से हो जाएंगे, थोड़े येलोइश हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा हमें प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करने नहीं है, प्लांट की हाइट को बढ़ाते रहिए, लेकिन अमुक लिमिटेड हाइट इसकी आ जाए, जैसे कि अभी जो मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है अभी मैं इसके पीछे बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट 5 फीट की इसकी हाइट हो गई है, जो पीछे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जो हाइबिस्कस उसकी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट तक हो गई है, और मैं अभी इसको बिल्कुल भी प्रून नहीं करूँगा क्योंकि नीचे से भी उसकी दूसरी नई ब्रांचेस सारी डेवलप हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हाइब्रिड हाइबिस्कस का पौधा है और नीचे से देखिए कितनी सारी ब्रांचेस यहाँ से डेवलप हो रही है। ये देखिए यहाँ से भी कितनी सारी ब्रांचेस इसकी डेवलप हो रही है, एकदम नीचे से भी इसकी ब्रांचेस डेवलप हो रही है, तो पूरे ब्रांच पे इसकी ब्रांचेस डेवलप हो रही है। अगर मैं बीच में से इसको कट कर लूँ, यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर लूँ, तो बाद में नीचे वाली जितनी भी ब्रांचेस होगी वो धीरे धीरे अपने ग्रोथ करना स्टॉप कर देगी, या तो उसके लीव्स धीरे धीरे करके येलोइश हो जाएंगे, वो सब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा हमें हार्ड प्रूनिंग रेगुलरली नहीं करनी है, प्लांट की हाइट को और बढ़ाइए, 6 फीट का हो गया है उसको और ज़्यादा 8 फीट या तो 10 फीट तक जाने दीजिए, उसके बाद प्लांट को फिर से 4 फीट या तो 5 फीट तक लेके आ जाए, तब आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी कर लेगा, क्योंकि तब प्लांट के जड़ें और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हेल्दी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी प्लांट को नहीं करनी है। लेकिन जब भी आप प्लांट को प्रूनिंग करते हो फ्रेंड्स, तो इतना ध्यान रखिए कि हमेशा सही टाइम पे प्रूनिंग करिए, जब कंडीशंस बहुत ही ख़राब हो तभी आप अपने प्लांट को प्रूनिंग ना करें। ख़राब कंडीशन में जनरली ठंडियों में दिसंबर का महीना सबसे ख़राब होता है, और समर सीज़न में जनरली मई जून का महीना रहता है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में बहुत ही तेज़ गर्मियाँ रहती है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें अपने प्लांट को प्रून नहीं करना है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।